अयोध्या मामले पर आए हुए फैसले को लेकर एडीजी जोन कमिश्नर आईजी समेत तमाम आला अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की बैठक। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अयोध्या मामले पर आए हुए फैसले को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी माली ने आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। यूपी के मुरादाबाद में पीतल के भाटियों को प्रदूषण विभाग ने किया बंद। शहर के कारीगरों ने एकजुट होकर कमिश्नर के कार्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रदूषण कंट्रोल की गिनाई खामियां। अयोध्या मामले पर आए हुए फैसले को लेकर पुलिस राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रही चप्पे चप्पे पर मुस्तैद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, इसे किसी की जय और पराजय से नहीं देखना चाहिए। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया पहुंचे कई धर्मगुरु। स्वामी सारंग राजेंद्र सिंह बग्गा ने की मौलाना खालिद रशीद फिरंगी माली से मुलाकात। अयोध्या मामले पर आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लखनऊ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के रायबरेली के गोगासो गंगा घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वामी उमेश जी महाराज ने 1.25 लाख दीप को जलाकर गंगा में कराया प्रवाह। सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह भी रहे मौजूद। सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कसी कमर। बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, लंबे समय से चल रहा मुद्दा हुआ खत्म, हमें यह फैसला मानने।